हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे दोस्तों, अभी आपने तमाशे की पहली सीन देखी, जमींदार बलवंत सिंह की हमेली। अब आपको ले चलते हैं दूसरी बस्ती, यह रियासत चंदनपुर है और चंदनपुर के जमींदार जिनका नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह, यह ठाकुर राय बहादुर सिंह की हमेली है और वो अपने सिंहासन पर बैठे हैं। देखिएगा अगली सीन। ठाकुर साहब की जय हो। राज दरबारी जी। हाँ ठाकुर साहब। क्या हुजूर? ये हमारी चंदनपुर रियासत है जी, और हमारी चंदनपुर रियासत में किसी को किसी बात की तकलीफ तो नहीं है जी? नहीं ठाकुर साहब, मैं इधर जाता हूँ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सारी प्रजा सारी जनता आपका नाम लेकर जय जयकार मचाती है। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है ये आप दिन दिन देखता हूँ इतना उदास और निराश क्यों रहते हैं? दरबारी, तुम तो जानते हो कि आज के 15 साल पहले हमारी बीबी एक छोटी सी बच्ची का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। आज वो लड़की 16 वर्ष की हो गई है, जिसका नाम दुर्गा है, और हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी कर दें और अपनी जीवन से उद्धार हो जाए। यही बात तो हम लोग सोचते हैं, कहीं अच्छा घर घराना देखकर दुर्गा बहन की शादी कर दो और आपके सर का बोझ हल्का पड़ जाए। हाँ दरबारी, लेकिन हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जिसके दरवाजे जाते हैं, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख रुपया मांगता है। इतना दहेज हमारे पास देने के लिए नहीं है। हमारे समझ में ये नहीं आता कि हम अपनी बेटी की शादी कहाँ करें। लेकिन ठाकुर साहब, कहीं ना कहीं तो शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि सयान बेटी घर में रखना भी ना अच्छा नहीं होता है। हाँ दरबारी, कोई दिमाग लगाओ, कहीं अच्छा घर घराना देकर दुर्गा की शादी कर दो। एक एक घर है। ये घर हमारा बचपन का दोस्त ठाकुर बलवंत सिंह जो सूरतगढ़ में रहता है, वो जमींदार बलवंत सिंह। हाँ, आज हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जमींदार बलवंत सिंह के पास जाएंगे। लेकिन ठाकुर साहब, मेरी बात को आप बुरा नहीं मानिएगा, एक बात कहना चाहता हूँ। अवश्य बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहाँ वो करोड़पति ठाकुर है, कहाँ आप एक लखपति ठाकुर है, क्या वो आपका रिश्ता मंजूर करेंगे? अरे दरबारी, तुम जानते हो, अरे वो हमारे बचपन का दोस्त है, हम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, खेला करते थे, अरे क्यों नहीं मेरी बात को मानेगा वो? बाकी जैसी इच्छा आपकी। जाओ, हमारी बेटी दुर्गा को हमारे पास बुला कर लाओ। फैजाबादी जी, जाओ दुर्गा दीदी को बुला के लाओ। ठीक है भैया। जिद्दा ना सकते। नमस्ते बोलो फैजाबादी। सत्य क्या है? अच्छा नमस्ते, हम समझ ना सकते। पापा, आपने मुझे बुलाया। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती। मुझे क्यों बुलाए हो बाबुल बताओ, मुझे क्यों बुलाए हो बाबुल। बताओ,
आया और मेरा समय 40 का हो गया है। मुझे देर काल की हो रही है, बेटी दुर्गा। जी पापा। हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है? मैं जानना चाहती हूँ पापा, मेरे कॉलेज का समय हो गया है। सुनो मेरी बात को। कहिए पापा। अरे पढ़ो मन लगा कर, इसी से तुमसे लगाया, बहुत बड़ी उम्मीद तुमसे लगाया। जमाना बुरा है, समझ सोच चलना। इस जमाने की बात कर रहे हैं पापा? हाँ बेटी, जमाने की रफ्तार इतनी तेज है, आजकल इस समाज में कुछ ऐसे दरिंद्र होते हैं जो अपनी बहन बेटी के समान दूसरी की बहन बेटी को नहीं देखते, इसलिए मेरा कहना है। क्या कहना पापा? जमाना बुरा है, समझ सोच चलना, और यही सब बताने को तुमको बुला। इसी बात के लिए हमने तुम्हें याद किया, और जाओ, तुम्हारे कॉलेज जाने का समय हो गया है। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ, और कॉलेज से आऊंगी तो फिर आपसे मिलूंगी। हाँ। बाय पापा। सूर्य अस्त होने से पहले वापस आ जाना। ठीक है, बाय पापा। बाय। प्रभारी जाओ, हमारा घोड़ा तैयार करो, आज ही हम अपने दोस्त से मिलने के लिए जाएंगे, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाएंगे उनके पास। ठीक है ठाकुर साहब। चलो चलकर हमारा घोड़ा तैयार करो। ठीक है, चलिए। दोस्तों, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मैं इसी चंद्रपुर रियासत का रहने वाला हूं, एक गरीब किसान का बेटा। मेरा नाम आकाश है। मेरे माँ बाप जब मैं छोटा सा था तभी भगवान को प्यारे हो गए, और मैं तभी से अकेला हूं। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाद आज जब मैं सयाना हुआ तो खुद कमाता हूं, और उसी कमाई से अपनी पढ़ाई भी करता हूं, और जो पैसे बचते हैं उसमें से अपना खर्च भी चलाता हूं। कल स्कूल में 15 अगस्त है, सोचता हूं मेरे पास पैसे भी नहीं है, कैसे व्यवस्था करूंगा कि मैं स्कूल में कुछ ले जाऊं। चलूं, सोचूंगा, उसके बाद फिर मिलूंगा। आ भैया नमस्यार। अरे भैया, नमस्यार नहीं, नमस्कार बोला जाता है। और कहां जा रहे हो यार? हम, तुम्हें मालूम नहीं कल स्कूल में 15 अगस्त है। हाँ मुल्ला। मुल्ला नहीं तो काजी। क्यों, तुम नहीं जाओगे क्या? तुम चलो गुरुजी, इतने बता दो कि हम संध्या तक का उबे। फंक्शन दिन में होता है, और तुम शाम की क्या करोगे? अरे भैया, कुछ घर हम तो काम धंधा है, करीब करी है यार, दो चार दस थे। भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरुजी ने कहा था कि सभी बच्चे एक एक राष्ट्रीय गीत याद करके आए। तुम याद करो। हाँ मैंने याद किया, तुमने याद किया? हमारा जवाब हमका रात भर राष्ट्रीय गीत बताए से,
और कहते ये बच्चा गा दियो हो तो तुम कानू गू बन जाइयो। कानू गू नहीं, कानून गो होता है। हाँ, रात भर अम्मा राष्ट्रीय गीत बताए सर। यदि आपकी अम्मा ने आपको राष्ट्रीय गीत बताया है तो वो राष्ट्रीय गीत मुझे सुनाओ। बड़े होशियार हो जवान। क्यों? अबे हम तुमका सुना दे और वहाँ याद करके तुम्हें सुना दियो जा मैया परे घुइया छीनी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं अपना राष्ट्रीय गीत दूसरा कॉलेज में गाऊंगा। तो हमारा वाला ना सुना जो हम तो सुना हुआ है। नहीं ठीक, आप सुनाइए। सुनो। हाँ। अरे याद करो उस बगिया की, जिस बगिया में तुमको रेला था। अरे तुम ठुकुर ठुक कर रोते थे, मैं हमको हम कर पेला। करो काहे को बेटा, अगर ये राष्ट्रीय गीत तुम कॉलेज में सुनाओगे ना मास्टर बहुत मारेगा। तुझे मालूम नहीं राष्ट्रीय गीत किस तरह गाया जाता है? किस तरह? सुनो मैं बताता हूँ राष्ट्रीय गीत किस तरह गाया जाता है। सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसी की, यह गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है ये वतन हिंदुस्तान हमारा, दोस्तों मैं एक बहुत गरीब लड़का था। एक दिन मुझे गुरुजी ने अनाथ आश्रम से उठाकर अपने घर ले गए और लिखा पढ़ा कर आशयाना कर दिया। आज मेरे पास जिंदगी में कुछ नहीं है, और अगर कुछ भी है तो वही लड़की जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, जिसका नाम दुर्गा है। दुर्गा, आज एक हफ्ता बीत चुका है लेकिन दुर्गा मुझसे मिलने के लिए आई नहीं। आज मैं अपनी दुर्गा का इंतजार करेंगे। दुर्गा 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 तुम कहाँ हो? दुर्गा दुर्गा दुर्गा, और तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। और याद और
सारी दुनिया की बदनामी लेती हो सारी। पर तू सारी दुनिया की बदनामी लेती हो, नाम मेरा ले लेके आवाजे देती हो, आवाजे देती हो, और आंखों के इशारे से तुम बुलाया करो, तुम याद न आया करो, तुम मुझे लगता है कि मेरी आवाज को दुर्गा ने नहीं सुना, और चलो आज मैं उसका इंतजार जरूर करूंगा। वैसे भी क्या बात है, आज काफी दिन हो गए दीपक मुझसे मिलने नहीं आया, और कल 15 अगस्त भी है, और वही कपड़े पहन के आएगा वो, सारे बच्चे उसकी खिल्लियाँ उड़ाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलती हूँ और दीपक को खोजती हूँ, उसके लिए मैं प्यारा सा तोहफा लेकर के आई हूँ। लेकिन दीपक तुम्हें मालूम है तुम्हारी याद बहुत आती है, हद से ज़्यादा। दीपक कहाँ हो तुम? दीपक 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 याद उसकी दिला गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, ओ मुझको पागल बना गया कोई। की आवाज यही मेरे कानों में गूंज रही, दुर्गा 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 कहां चली गई, कहां चली गई? हाँ दुर्गा तू आ गई? हाँ देख हाय हाय हाय, मैं तेरे लिए कितना बेचैन था, आज एक हफ्ता बीत चुका था और तू मुझसे मिलने के लिए नहीं आई थी। चल झूठे झूठ बोल रहे हो, कल का वादा किया कल भी नहीं आए, आज का वादा किया उस पहाड़ी पे मैं खोज रही थी और खोजते खोजते यहाँ पे आ गई। लेकिन दुर्गा हाँ एक बात, क्या? कल मेरे गुरुजी ने मुझे आने नहीं दिया। क्यों? आज मैंने समय लगाया काले जाने के बहाने, इसलिए दुर्गा मैं तुझसे मिलने के लिए चला आया। वही बहाने तो मैं भी लगा के आई हूँ, पापा से बोली कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, और कॉलेज के बहाने मैं मार्केट गई और शॉपिंग किया, तुम्हारे लिए एक सुंदर सा प्यारा सा तोहफा लाई हूँ।
सुंदर सा प्यारा सा तोहफा। तोहफा बोल रही है? अच्छा तोहफा हम कहे तोहफा, वो भी हमारे लिए लाई है, तुम्हारे लिए नहीं लाई है कुछ। हम क्या कह लाए बच्चे? तुम्हारे लिए कल हगीस ले आऊंगी। हगीस तो हम ज्यादा पहनते हैं। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी कल, लेकिन देखना नहीं चाहोगे? क्यों नहीं, आज गंगा माँ की कसम खा के आया हूँ कि आज मेरी दुर्गा जो कुछ लाएगी उसे मैं अवश्य कबूल कर लूंगा। तो ठीक है दीपक, ये लो तुम्हारा तोहफा। ला भैया देखे तुम्हारा तोहफा। तोहफा है तोहफा कहते हैं, पकड़ से। तो जौन ढेरन में बिका करा था, पागल हो गया है। लेकिन दुर्गा हाँ, तू ये तोहफा मुझे दे रही है, क्या अच्छा नहीं लगा? मैं मानता हूँ और अच्छा भी लगा, लेकिन एक बात है, आज तू मुझे तोहफा दे रही है, कल कहीं गंगा मैया मुझसे नाराज न हो जाए। अच्छा, क्यों? जो तू मुझे छोड़कर किसी घर के साथ चली जाएगी तो मुझे क्या होगा गंगा? आज गंगा माँ ने सिर्फ यही कहा है, सिर्फ यही कहा है। बहुत खूब दीपक, बहुत खूब, मेरे प्यार का यही सिला है, मैंने तुमसे दिलो जान से प्यार किया है, आज तक मैंने भेदभाव नहीं किया है, कौन गरीब है कौन अमीर है, मैंने तुमको चाहा तो सिर्फ दिल से चाहा, तुम्हें कुछ माना तो अपना खुदा माना, भगवान माना, लेकिन तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया। ठीक है दीपक, जा रही हूँ, आज के बाद तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। आई हेट यू। मेरी बात सुनो कि आपको क्या हुआ मेरी दुर्गा, सुनो और इस तरह रूठ करके कहा जा रही, और प्यार का हाथ पहले बढ़ा क्यों दिया? सुनो मेरी बात, बढ़ा क्यों दिया, तोड़ कर दिल मेरा अब कहां जा रही, प्यार का। प्यारी लैला ने मजनू से जैसे किया, वैसे ही प्यार दीपक में तुमसे करूं, मुझसे जान जाए चली जाए सर जाए कटे। जान जाए चली जाए सर जाए कटे, साथ में जीने मरने की खाई कसम। जान जाए चली दुर्गा, और कर यही बात है मेरी दुर्गा, सुनो आओ हंस के गले से लगा लूं तुम्हें, और साथ छोड़ू नहीं जब तक मैं दम में दम। अच्छा, और साथ छोड़ू नहीं जब तक है दम में दम, और अपने बाहों में दुर्गा बसा लूं तुझे, साथ छोड़ू नहीं जब। अगर ये बात है दुर्गा हाँ, तो मैं कसम खाता हूं कि दीपक तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। हाँ दीपक, मैं भी कसम खाती हूँ कि प्यार किया है तो उम्र भर शाद भी निभाऊंगी। सच कह रही? सच, लेकिन ये एक बात छोड़ो, मेरी बात सुनो। कौन सी बात है? कल भी वेट करने को बोला, आज भी मिलने का वादा किया, तो मुझे किसी चीज के बहाने बुलाओ, जैसे कि कोई बांसुरी, कोई बाजा, कोई धुन, कोई गाना। और तुम आ जाओगी?
हाँ मैं भागती चली आऊंगी सुन से। हाँ पक्का। तो आज के बाद हमारी आवाज जरूर दुर्गा तुम्हारे कानों में गूंजेगी। वाओ मितवा ओ मेरे मीतरे। और आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे मेरे मितवा मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे मेरे मितवा। जानू तेरा देश न जानू देश न जानू नाम न जानू तेरा देश न जानू देश न जानू। और कैसे मैं भेजूं संदेश न जानू कैसे मैं भेजूं संदेश कौन हो भैया? जयराम भैया तुम तो यार यहाँ इंटरनेट चालू कर रहे हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? कंपनी का प्रचार कर रहे हैं भैया। पांच रुपया पांच फीस। किस कंपनी का है? लियो तो बताओ। अरे क्या है इसमें? बहुत सस्ता माल दे रहे हैं। कौन सा माल? पांच रुपया पांच फीस। अरे है क्या? निरोध। चुप और चले जाओ यहाँ से। हम क्या करेंगे? ले आओ बच्चे। अच्छा या जाओ तुम कर रहे हो मैं पहले मास्टर रहे। अरे तुम चले जाओ यहाँ से। मास्टर हो कुछ भी हो। अब जाए तो हरे पापा को बुला के लाए जाए। क्यों? पापा को मत बताना। हम सब देख ही जाए जो इंटरनेट चालू है। अब लाए तो हरे पापा को बुला के। हे भगवान तुमने सब कुछ देख लिया? सब कुछ तो नहीं देखे खाली इंटरनेट देखे न। अच्छा पापा को बताओगे तो नहीं? बताओ तो ना लेकिन हमारा काम बनाओ बच्ची। पागल हो क्या? कहीं एक म्यान में दो तलवारें रहती हैं? हाँ रहती हैं। वो कैसे? वसरी वसरी। तो भिजा रहे बला तुम्हारे पापा को लाद। ठहरो तो भी हमारा काम बनाओ बच्ची। बनेगा ठीक। अच्छा बन जाएगा। हाँ बनेगा। चला जाता देखो। लेकिन मेरे साथ नहीं। फिर मेरे साथ मेरी सहेली आई है। सर तुम्हारा पूरा स्टाफ चला था? स्टाफ यानी कि पूरा ग्रुप चलता है। अच्छा यहाँ यहाँ धंधा करा था? ये धंधा क्या? ये प्यार मोहब्बत है। अरे थोड़ा प्यार मोहब्बत कर लियो बच्ची। मैं अपनी सहेली से तुम्हें मिला दूंगी। तुम प्यार मोहब्बत उसी से कर लेना। सहेली बढ़िया है? हाँ दिखने में तो खूबसूरत है ब्यूटीफुल है। कौनो कमी तो नहीं बच्ची? एक छोटी सी कमी है। वह कौन कमी? वो एक पैर की विकलांग है। लंगड़ी तो चलो भाई ना करी। बचे माले लगड़ेवा का लड़ाई। हाँ। खवाई पियाई टहल धंधा करी और रात बिरात बहितना का काम फसत मारी एक टाक भांजे। तू नहीं चलेगी? लंगड़ी ना चली। हाँ उसकी बहन है। बहन? हाँ बहन का नाम है रेखा। हाँ गंगा का सम पहली बार देखा। कौनो कमी तो नहीं है? हाँ एक छोटी सी कमी है।
कौन कमी? वो गूंगी है। गूंगी? हाँ। गूंगी तो चल जाए बच्ची। वो कैसे? कहा तो गूंगी भाई। हाँ। कंटेपरी भाई। अच्छा। भौकली भाई। हाँ। बैलनी भाई। हाँ। इस सूधी होती है। सूधी क्या, कोई गाय भैंस है? ये गाय भैंसी मतलब ही सूधी का मतलब ऊंगी गूंगी के साथ कुछ करो। हाँ। तो कहूँ तो बताऊती नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारा काम बना दिया है, पापा को मत बताना। अच्छा गूंगी ना मिली तुम्हारे झालक पर। और दुर्गा? हाँ। हम भी मिले थे कभी यमुना किनारे, यमुना किनारे। हम भी मिले थे कभी यमुना किनारे, यमुना किनारे। और राधा के संग थे नाम हमारे, राधा के संग थे नाम हमारे। फिर वो मुरलिया, फिर वो बसुरिया, और फिर भी वही संगीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। दीपक देखो काफी टाइम हो गया है और पापा जी वेट करते हैं, मैं जा रही हूँ, नहीं डांट पाऊंगी। सच? सच में। तो ठीक, चलो जाओ और मैं कल कॉलेज जाऊंगा। ठीक है, तो रास्ते में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे। ओ, 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 ओ,